फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। जैसे ही एक बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है, पेरेंट्स की पूरी कोशिश होती है कि उसे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दे सके, मगर कुछ समय के बाद अक्सर ही बच्चे खाने पीने को लेकर पिकी हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी इसी समस्या का समाधान और बताएंगे आपको 10 ऐसे हेल्दी फ्रूट जूसेस जो आपके बेबी को पसंद भी आएंगे और भरपूर न्यूट्रिशन भी देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे ₹500 का वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। 10 हेल्दी फ्रूट जूसेस फॉर बेबीज। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं बेबीज के लिए वो 10 ऐसे हेल्दी फ्रूट जूसेस कौन से हैं जो आप उन्हें कैसे बना के दे सकते हैं। एप्पल जूस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्पल जूस से। इसके लिए आपको आधा एप्पल लेना है, उसे अच्छे से धो छील कर सीड्स निकाल दें। फिर एक ब्लेंडर जार में इस एप्पल को छोटे छोटे टुकड़े काट दें, 1/4 कप पानी के साथ डाल दें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस एप्पल जूस को एक कप और स्पून के साथ या फीडिंग बॉटल में अपने बेबी को सर्व करें। नेक्स्ट है पियर जूस। पियर जूस बनाने के लिए आधा पियर लें और उसे अच्छे से धो लें, फिर छील लें और चॉप कर लें। अभी सीड्स को रिमूव करना ना भूलें और इसके बाद चॉप्ड पियर्स को 1/4 कप पानी के साथ मिक्सर ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। आपके बेबी के लिए फ्रेश पियर जूस रेडी हो गया। बनाना शेक। अब बारी आती है बनाना शेक की। तो एक बनाना लें, उसे छील लें और काट लें। इसे एक ब्लेंडर जार में 1/4 कप दूध के साथ ब्लेंड कर लें। क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है तो आप इसे फीडिंग कप में स्पून के साथ अपने बेबी को दे सकती हैं। ऑरेंज जूस। अब एक छोटा सा ऑरेंज लें और उसे छील कर उसके स्लाइसेस कर लें। फिर एक ब्लेंडर जार में आधा कप पानी के साथ इन ऑरेंजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस जूस को एक ग्लास में ट्रांसफर कर लें और जूस को छानना बिल्कुल ना भूलें। इससे सभी सीड्स भी अलग हो जाएंगे और एक्स्ट्रा पल्प भी अलग हो जाएगा। चेरी और प्लम जूस। अगर आपके पास फ्रेश चेरीज हैं तो आप उनका जूस भी बना के बेबीज को दे सकते हैं, या फिर फ्रेश प्लम्स का जूस बनाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो 6 चेरीज जिनके सीड सेपरेट हो चुके हों, या फिर डिसीडेड प्लम्स ले और उन्हें चॉप करके एक ब्लेंडर जार में डाल ले। जार में 1/4 कप पानी डालकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले और फ्रेश जूस अपने बेबी को सर्व करें। पोमग्रेनेट जूस। नेक्स्ट है पोमग्रेनेट या फिर अनार का जूस। इसके लिए आपको एक अनार को अच्छे से छील लेना है और उसके दाने निकालने होंगे। फिर आधा कप अनार के दाने और 1/4 कप पानी को एक ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें। अब इसे एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लें और अपने बेबी को एक फीडिंग बॉटल में डालकर सर्व कर दें। वाटरमेलन जूस। गर्मियों के लिए आइडियल चॉइस है वाटरमेलन जूस। एक वाटरमेलन लें, उसे काट लें और उसके सीड्स बिल्कुल रिमूव कर लें। फिर 3/4 कप चॉप्ड वाटरमेलन को एक ब्लेंडर जार में डालकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। इस जूस को फ्रेश अपने बेबी को सर्व करें। मिक्स्ड बेरी जूस। मिक्स्ड बेरी जूस के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और रसबेरीज। सभी बेरीज को अच्छे से धो लें और 1 कप मिक्स्ड बेरीज को एक ब्लेंडर जार में डाल लें। 1/4 कप पानी के साथ इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लें और सीव की मदद से इसे ग्लास या फीडिंग बॉटल में ट्रांसफर कर लें। इस फ्रेश जूस को अपने बेबी को जरूर सर्व करें। पाइनएप्पल जूस। एक पाइनएप्पल लें और उसे अच्छे से छील लें, धो लें और चॉप कर लें। फिर आधा कप पाइनएप्पल को 1/4 कप पानी के साथ एक ब्लेंडर जार में फाइनली ब्लेंड कर लें और फ्रेश जूस अपने बेबी को सर्व करें। कोकोनट जूस। लास्ट और सबसे आसान जूस है कोकोनट जूस। तो एक फ्रेश टेंडर और हरा कोकोनट ले और उसे खोल ले। फिर एक फीडिंग बॉटल में उसे छलनी से छानकर कोकोनट वाटर पोर कर ले और अपने बेबी को बिल्कुल फ्रेश सर्व करें। ऐसे ही और भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज जानने के लिए माइलो फैमिली चैनल से जुड़े रहें। पेरेंटिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, टिप्स और प्रोडक्ट्स पाने के लिए माइलो ऐप या माइलो वेबसाइट जरूर विजिट करें। यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को आसान और स्ट्रेस फ्री बना सकता है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन इम्पोर्टेंट जूस रेसिपीज को शेयर करें। साथ ही हमारे माइलो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आते रहें।